Students, now we'll see damped oscillation and then we'll obtain the differential equation of damped oscillator. तो सबसे पहले हमें समझना है कि damped oscillation क्यों बोल रहे हैं हम. What is damping? See, जब भी oscillation हो रहे होते हैं तो वो किसी ना किसी medium में होता है. For example, अगर हम एक pendulum को ले लें तो pendulum का जो oscillation है वो air में हो रहा होता है और एयर पार्टिकल्स जो हैं वो उस ऑसिलेटर को ऑसिलेट नहीं करने देता है. सो एयर पार्टिकल जो है वो क्या ऑफर करेंगे, रेजिस्टिव फोर्सेस ऑफर करेंगे टू द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. सो वो एक एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया है कि रेजिस्टिव फोर्सेस ऑफ एयर एक्ट्स ऑन द पेंडुलम एंड बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टिव फोर्स जो पेंडुलम है उसको वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्सेज ऑफ द एयर पार्टिकल्स, राइट. वो जो वर्क करेगा वो ऑसिलेटर, दैट work will get wasted. I mean the mechanical energy of the system, means mechanical energy of the simple harmonic oscillator will get converted into heat energy which will dissipate in the medium. So जब medium में heat energy चली जाती है तो वो wastage हो जाता है. So इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम एक pendulum को बांधे, एक मेटल की बॉल को थ्रेड से बांधे और अगर उसको ऑसिलेट करवाए तो उसके आसपास का एयर गर्म हो जाएगा, ठीक है. इतना ज्यादा हमें फील नहीं होगा वो. बट आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि अगर हम एक थ्रेड से मेटल की बॉल को बांधते हैं और अगर उसको हम ऑसिलेट करवाते हैं तो जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं, वो इन ऑसिलेशन को रोकने की कोशिश करते हैं. बिकॉज वेरेवर द बॉल इज मूविंग, मेटल बॉल इज मूविंग From that place, metal ball has to displace the air particles. तो air particles को धक्का मारने के लिए metal ball को कुछ तो work करना पड़ेगा ना. तो ये क्या हो जाएगा, metal ball मतलब simple harmonic oscillator की जो energy है will be used up against the resistive force of air. So mechanical energy of the system will be reduced and it will convert into heat energy which dissipates in the medium. अब अगर मैकेनिकल एनर्जी हमारे सिस्टम की कम हो जाती है, अगर वो जो पेंडुलम था उसकी एनर्जी, जिस एनर्जी से वो ऑसिलेट कर रहा था वो कम हो रही है, तो क्या होगा, उसके जो ऑसिलेशंस हैं वो कैसे हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, मतलब एम्पलीट्यूड जो है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है. और ऐसे जो ऑसिलेशंस होते हैं उन्हें हम बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस. So see here you can see the mechanical energy, that is the total energy of the SHO, it decreases. And if this mechanical energy decreases, ये दोनों तो constant है, तो variable कौन है, amplitude. तो अगर ये decrease हुआ है तो कैसे decrease हुआ होगा, amplitude के decrease होने से ही decrease हुआ होगा. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि amplitude जो है वो system का decrease हो जाता है, right. और ऐसे oscillation को हमने क्या बुलाया था, damped oscillation. तो यहां पर तो मीडियम एयर था, ऐसे अलग अलग मीडियम हो सकते हैं. हम वैक्यूम में जाके तो ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं नहीं. अगर आप वैक्यूम में जाके परफॉर्म करोगे तो भी वहां एयर रेजिस्टेंस गायब हो जाएगा, ठीक है. हम एयर पार्टिकल्स निकाल देंगे तो ये जो भी ऑसिलेटर है उसको अगर ऑसिलेट करना है तो उसे अपने रास्ते में से एयर पार्टिकल्स को नहीं हटाना है. बट उस वक्त दूसरे रेजिस्टिव फोर्सेज एक्ट कर रहे होते हैं, जहां से हमने बांधा है इस थ्रेड को, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सम फ्रिक्शन विल अकर. तो ये फ्रिक्शन जो है वो इस ऑसिलेशन को रोकने की कोशिश करता है. दूसरा, अर्थ की ग्रेविटी, वो भी ऑसिलेशन को रोकने की कोशिश करती है. बिकॉज सी, सपोज इफ दिस इज द सर्फेस ऑफ अर्थ, एट दिस पॉइंट द डिस्टेंस ऑफ दिस ऑसिलेटर फ्रॉम द ग्राउंड इज लेस. अब जब ये यहां चला जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट करता है, एम्पलीट्यूड वाली पोजिशन पे चला जाता है, तो यू जस्ट सी द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द ऑसिलेटर, इट इंक्रीजेस. तो अर्थ की ग्रेविटी क्या कोशिश करेगी कि ये ऑसिलेटर जो है उसको वापस अपने ओरिजिनल पोजिशन पे लेकर आ जाए. तो इन दिस केस इफ वी आर परफॉर्मिंग दिस प्रैक्टिकल इन वैक्यूम, तो एयर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. बट ये फ्रिक्शन को तो आप हटा नहीं सकते हो, ग्रेविटी को तो आप हटा नहीं सकते हो, राइट. सो कहीं ना कहीं कुछ तो रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट करेंगे ही इस सिस्टम के ऊपर, जो क्या कोशिश करेंगे कि ये जो ऑसिलेशन हो रहे हैं वो ना हो. और ये ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है उसको तो अपने ऑसिलेशंस को कंटिन्यू करना है, तो वो क्या करेगा, इट विल बी डूइंग वर्क अगेंस्ट ऑल दीज रेजिस्टिव फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन है या ग्रेविटी है या एयर रेजिस्टेंस है.
तो अगर ये ऑसिलेटिंग सिस्टम जो है वो उन रेजिस्टिव फोर्सेस के अगेंस्ट वर्क करने लगी तो फिर हमारे ये जो SHO है उसकी एनर्जी में कुछ डिक्रीमेंट आ जाएगा, और वो डिक्रीमेंट हमको यहां कैसे दिखेगा, एम्पलीट्यूड में दिखेगा, कि एम्पलीट्यूड जो है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, वो फिर इतना बड़ा बड़ा ऑसिलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसने अपनी एनर्जी जो वो पहले तो सिर्फ ऑसिलेट करने में यूज कर रहा था वो एक्चुअली कहां कहां यूज कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्सेस को ओवरकम करने में भी यूज कर रहा है, और इसीलिए ऑसिलेशंस का एम्पलीट्यूड धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और एक टाइम आएगा जब ऑसिलेशन बंद ही हो जाएंगे। हमने सेकेंड स्पेंडुलम का पीरियोडिक टाइम ढूंढने वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, और वहां पर अगर आप ऑसिलेशन देते हो, ऑसिलेशन देके आप रुक जाओ, आपको क्या लगता है लाइफ टाइम के लिए वो ऑसिलेशन थोड़ी चलेंगे? एक टाइम के बाद में ऑसिलेशंस विल स्टॉप, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा और ऑसिलेशंस बंद हो जाएंगे। तो ये इसका एग्जांपल है कि एयर के रेजिस्टिव फोर्सेस एक्ट कर रहे थे, वहां पर फ्रिक्शन एक्ट कर रहा था, अर्थ की ग्रेविटी एक्ट कर रही थी, और इन सब ने मिला के ऑसिलेशंस को रोक दिया, और ऐसे ऑसिलेशंस को हम डैम्प्ड ऑसिलेशंस